अलाउद्दीन खिलजी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अलैहि रहमा की बारगाह में हाजिर होने के लिए तरसता था कि मुझे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के हुजूर हाजिर होना नसीब हो। लेकिन आप उसको कहते थे, फ़कीर की खानकाह के दो दरवाजे हैं, अगर तू एक दरवाजे से आया तो मैं दूसरे से बाहर निकल जाऊँगा, और अगर तूने ज़्यादा तंग किया तो मैं तेरा शहर छोड़ जाऊँगा, अल्लाह की ज़मीन बड़ी वसी है, तेरा वतन तेरा मुल्क छोड़ जाऊँगा। एक दिन उसने आपकी खानकाह के अंदर अचानक पहुंच के आपकी खानकाह के अंदर जाना चाहा, तो आपने खादिमों से कहा दरवाजे बंद कर दो, दरवाजे बंद कर दिए गए। बादशाह समझा कि ये इतने पक्के लोग हैं फकीर कि मर जाएंगे दरवाजे नहीं खोलेंगे, तो कुछ तो खून होगा। उसने कागज़ के एक टुकड़े पे लिखा और खादिम के ज़रिए हजरत को पहुँचाया। लिखा ये कि क्या बात हुई कि बादशाहों की चौखट पर भी बवाब चौकीदार और फ़कीरों के दरवाज़ों पर भी बवाब, फ़र्क क्या हुआ शाही में और फ़कीरी में? तो हज़रत ने कागज़ के टुकड़े की पुश्त पर लिखा, फ़र्क यह है कि बादशाहों के दरवाज़ों पर जो बवाब होते हैं वो फ़कीरों और साइलों को रोकने के लिए होते हैं, और फ़कीरों की चौखट पे जो बवाब होते हैं वो बादशाहों को रोकने के लिए होते हैं। उसने कहा, हज़रत अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपकी खानकाह की ज़ियारत कर सकता हूँ। आपने कहा, जाओ कर लो। वो गया, खानकाह देखी, तो लंगर खाना देखा, मुख्तलिफ जगहें देखी। जब अस्तबल में पहुंचा, घोड़ों का अस्तबल था बहुत बड़ा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का, तो जब वहां पहुंचा तो क्या देखा कि घोड़ों की जो मेखे हैं, किले जो हैं, वो चांदी के हैं, और जिन जंजीरों और संगलों से उनके पांव बांधे हुए हैं वो सोने के। तो बादशाह को फिर शरारत सूझी, तो उसने फिर कागज के टुकड़े पर लिख के हजरत को भेजा, ये क्या हुआ, बादशाहों के पास भी सोना और फकीरों के पास भी सोना चांदी, तो फर्क क्या हुआ बादशाहों और फकीरों में? तो शेख ने उसी कागज के टुकड़े की पुश्त पर लिखा, फर्क यह है, बादशाह खजानों में संभाल के रखते हैं, फकीर घोड़ों के कदमों में डाल के रखते हैं। तो इनके नजदीक सोने चांदी की अहमियत क्या होती है? जब बहार चीन, ये बहुत बड़ा कीमती कालीन था, ईरान जब फतह हुआ हजरत फारूक आजम के जमाने में, तारीख पढ़े तो ये बहार चीन ऐसा कीमती कालीन था कि उस जमाने में अगर किसी को वो बहार चीन पे बिठा देते तो वो सारी जिंदगी नाज करता कि मैं बहार चीन पे बैठा हुआ हूं। तो हजरत उमर के जमाने में जब ईरान फतह हुआ तो वो बहार चीन कीमती जो कालीन था वो ऊंटों पे लाद के मदीने भेजा गया, और जब वो माल गनीमत उतरा और उसमें बहार चीन भी था तो लोगों ने पूछा कि क्या किया जाए। किसी ने कहा मस्जिद नबवी में बिछा दिया जाए, तो हजरत उमर ने कहा ये इस काबिल कहाँ है कि मस्जिद नबवी में बिछाया जाए? तो कहाँ कहाँ रखा जाए? मस्जिद नबवी से बाहर जहां लोग जूते उतारते थे, हजरत उमर ने ऑर्डर दिया कि यहां बिछा दो, लोग जूते साफ करके मस्जिद में जाया करें। जिस कालीन पे जमाने को नाश था वो कदमों में बिछा हुआ था। ये इस्लाम का मिजाज है।